इसमें हमने पहले लास्ट वीडियो में हमने टोटल जो है तीन यादी जो बनती है हमारी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, अक्रमिक यादी, क्रमबद्ध यादी और वर्णनात्मक यादी, ये तीनों का हमने देख लेते प्रैक्टिकल। आगे बढ़ेंगे तो आगे अब हमारा जो आएगा टॉपिक वो है हमारा एचटीएमएल के अंदर अगर हमको अब टेबल बनाने हैं, अगर टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए कौन कौन से टैग का हमको यूज़ करना है वो सब देखेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का वो डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एचटीएमएल टैग ऊपर, उसके बाद एचटीएमएल का जो दो पार्ट होते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, एक होता है हेड विभाग और दूसरा होता है बॉडी विभाग। तो हम सब डिफाइन कर देंगे पहले यहाँ पर, बॉडी विभाग क्लोज करेंगे और लास्ट में एचटीएमएल क्लोज करेंगे यहाँ पर। अब जो हेड विभाग जो होता है हमारा, उसमें हम लोग क्या लेते हैं मेन टाइटल टैग, एक जो हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को टाइटल देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। टाइटल हमने दिया है टॉपिक के हिसाब से, टेबल का ही नाम दिया है, ठीक है। अब बॉडी टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट है, उसमें से हम लोग लेते हैं बी जी कलर, बैकग्राउंड में कलर देना है अगर हमको, एग्जाम्पल बी जी कलर इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं येल्लो, ओके। फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल प्लस एस और यहाँ डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। डेस्कटॉप पे फाइल का नाम क्या देना है हमको, फाइल का नाम हमको देना है जो कोई भी हो, फाइल का नाम कुछ भी आप दे सकते हो, बट लास्ट में डॉट एच टी एम एल आपको लगाना कंपलसरी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो टेबल डॉट एच टी एम एल हमने फाइल को सेव किया है, ओके। डेस्कटॉप पर आएंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो टेबल की फाइल आ गई है, इसमें इसको ओपन करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर बैकग्राउंड में क्या आ रहा है अभी तक, ओनली येलो कलर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने क्या दिया है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को, हमने टाइटल दिया है यहाँ पे टेबल टैग का यूज़ करें, और दूसरा क्या दिया है बैकग्राउंड में येलो कलर, तो वो बैकग्राउंड में येलो कलर हमारा सेट हो गया है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हमारा जो एचटीएमएल का जो हमारा टेबल है उसके लिए हमारे पास टेबल बनाने के लिए टोटल चार टैग का हम लोग यूज़ करेंगे। एक होता है टेबल, ठीक है, दूसरा होता है टी आर, उसके बाद एक होता है टी डी और लास्ट में एक आएगा कैप्शन, ओके। ये चार टैग का हमको यूज़ करना है एचटीएमएल के अंदर टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन सब में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है टेबल टैग जो है हमारा, टेबल टैग क्या करेगा, टेबल टैग अभी हमने यहाँ पे लिया है इसका मतलब वो टेबल को डिफाइन कर रहा है, वो एचटीएमएल को उसने बता दिया कि यहाँ पे अब टेबल लेना है। अब टेबल टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं इसमें वो देखेंगे। पहले तो सबसे पहला आता है कि बॉर्डर, अगर आपको टेबल के अंदर बॉर्डर देनी है आपको अगर कुछ, तो आप वो बॉर्डर कैसे दे सकते हो यहाँ पे, तो बॉर्डर की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे वो पिक्सल में आएगी। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग 5 की वैल्यू की बॉर्डर ले लेंगे यहाँ पे, ओके। दूसरा एट्रीब्यूट होता है, एक होता है बी जी कलर, सेम हमने बॉडी टैग में जो बी जी कलर दिया है यहाँ पे, वैसे आपको अब ये बी जी कलर जो है बॉडी टैग का वो क्या करेगा, वो पूरे एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के, पूरा एच टी एम एल डॉक्यूमेंट हमारा इसके ऊपर में बैकग्राउंड कलर सेट करेगा। जैसे टेबल टैग का बी जी कलर एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा, जितना टेबल की साइज़ होगा उतनी साइज़ का ही वो क्या करेगा बैकग्राउंड में कलर सेट करेगा, ओके। इसको कंट्रोल एस करेंगे। अभी अब टेबल टैग हमने डिफाइन कर दिया कि ये सारे एट्रीब्यूट्स वहाँ पे लेने हैं, अब हमको क्या करना है, टेबल बनाने के बाद सबसे पहले हमको रो बनानी पड़ेगी टेबल के अंदर। हमने यहाँ पे टी आर करके हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल का एक रो हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब एक लाइन में अगर हमको देना है टेबल रो के लिए, फॉर एग्जांपल हमको दो कॉलम बनानी है पहले हेडिंग देने के लिए, तो टी आर के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, दूसरा एक टैग होता है टी एच, टी एच टैग लेंगे, उसको यहाँ पे हेडिंग देंगे हम लोग। अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर ये हमको टाइम और डेट का एक टेबल बनाना है, तो टाइम और एक हो गया टी डी, तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, टी डी को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ये समझाऊंगा अभी मैं क्या होता है ये। उसके बाद दूसरा भी एक टी डी टैग हम लोग लेंगे यहाँ पे, टी एच टैग लेंगे, जो टेबल हेडर होगा, एक हमने टाइम दे दिया, दूसरा दे देंगे हम लोग डेट,
अभी सिंपल टेबल बनाएंगे एक टाइम और डेट वाला, और इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखेंगे, कंट्रोलाइज करेंगे इसको। अब देख सकते हो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे टेबल एक बना हुआ है यहाँ पे, और उसके अंदर हमने जो दो दो वैल्यू दी हमने टी एच के अंदर, अब ये टी डी हमने डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो टी डी है ना, टी डी टैग, ये क्या होता है, टेबल डेटा, यानी एक और रो के अंदर एक और वो क्या करेगा, एक बॉक्स, एक सेल जो होता है। अब ये पूरा टेबल है हमारा, इसका जो एक बॉक्स बनेगा उसको बोलेंगे एक सिंगल सेल, ठीक है। अब यहाँ टी डी जो हमने दिया है उसकी वजह से उसने क्या किया, यहाँ पे एक सिंगल बॉक्स और ले लिया है। अब देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स ले लिया जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, ठीक है। तो अब ये जो टी एच टैग था टेबल हेडर देने के लिए, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, टी आर जो है रो को एंड करना है, तो हम टी आर टैग यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये, इससे क्या होगा यहाँ पे कि वो रो छोड़ देगा और नीचे की साइड पर आ जाएगा, क्या करेगा, यहाँ पे हमने टी एच टैग लिया था, ठीक है, यहाँ पे टी आर स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या कि हमने यहाँ पे एक रो बनाई है। अब रो मतलब आड़ी लाइन, टेबल की जो आड़ी लाइन बनेगी उसको रो बोलेंगे। रो हमने बना दिए, अब रो में हमने कितनी वैल्यू दिए, एक डेट और दूसरा टाइम, ठीक है। तो डेट और टाइम आ गया, उसके बाद हमने टी आर टैग यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, टी आर टैग क्लोज किया, इसका मतलब क्या आ गया, वो नीचे की लाइन में अब आ जाएगा, ठीक है। अब टेबल टैग का एक और एट्रीब्यूट है यहाँ पे अलाइन, अलाइन क्या करेगा, अलाइन अलाइन में तीन वैल्यू होती है, लेफ्ट, अभी जो हमारा टेबल आ रहा है वो क्या होता है, वेब पेज का जो आउटपुट है हमारा उस आउटपुट के लेफ्ट साइड में आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये पूरा हमारा क्या है, एक वेब पेज है, इसका आउटपुट में जो स्क्रीन है उसके पूरे लेफ्ट साइड में एक टेबल हमारा शो हो रहा है। अब उसको हमको अगर सेंटर में लाना है तो हम क्या करेंगे, टेबल टैग के अंदर, टेबल टैग के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट है टेबल टैग का, उसमें वैल्यू देंगे हम लोग सेंटर, ठीक है, इसको सेव करेंगे और आउटपुट के लिए आएंगे यहाँ पर। जब आप देख सकते हो अब क्या हो रहा है, टेबल वेब पेज के सेंटर में आइए। अभी सेम यहाँ पे अगर आप सेंटर की जगह उसको करेंगे राइट, तो राइट के लिए, राइट के लिए क्या होगा, राइट साइड में पूरा चला जाएगा, ओके। तो ये होता है अलाइन एट्रीब्यूट टेबल टैग, इसको हम सेंटर में रखेंगे, अभी इसको सेव करेंगे, ओके। अब ये टी आर टैग हमने यहाँ पे क्लोज किया हुआ था, इसको पहले निकाल देता हूँ मैं, ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अब ये टी आर टैग क्या है, एक टी आर टैग मतलब एक रो के लिए, हमने टी आर टैग क्लोज किया, इसका मतलब क्या है कि हमने रो को क्लोज कर दिया, हमको दोबारा से नई रो लेनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे सेम, और नीचे आएंगे और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करेंगे। अभी हमको डेट और टाइम देनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल 10:10 AM को अगर कुछ हमको स्पेसिफाई करना है, डेट हमको बतानी है यहाँ पे, सपोज आज की डेट 10/10/2020, ओके, इसको सेव करेंगे और आउटपुट देखेंगे जब। तो अभी तक क्या था यहाँ पे, अभी इसको हम पहले सेंटर में लेके आएंगे और नीचे एक रो और एड हो जाएगी जिसमें टाइम दिखाएगा 10 AM और डेट दिखाएगा 10/10/2020, ओके। और बॉर्डर जो हमने दी है 5 पिक्सल की, वो 5 पिक्सल की बॉर्डर भी क्या हो रही है यहाँ पे आ रही है, पिक्सल में वैल्यू दी है बॉर्डर की हमने, ठीक है। तो इतना होता है टेबल टैग के, टी आर टी एच और टेबल टैग का जो टेबल 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 टैग जो है वो, ओके। अब यहाँ पे लास्ट में जो है हमारा एक कैप्शन टैग, कैप्शन टैग आप देख सकते हो, तो हमारा जो टेबल टैग हम टेबल बनाएंगे टोटल हम लोग किसका, 4 अलग अलग टैग का हमको यूज़ करना होगा। यहाँ पे दे देंगे हम लोग फॉर एग्जांपल टाइम टेबल, ओके, और कैप्शन टैग पे यहाँ पे क्लोज करेंगे अगर, और इसको सेव करके आउटपुट देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या होता है, कैप्शन टैग क्या करता है यहाँ पे, टेबल का जो हेडिंग होता है ना वो डिफाइन करता है यहाँ पे। हमने कैप्शन टैग में लिखा टाइम टेबल, हेडिंग दिया, ठीक है, टेबल कर देते इसको टाइम टेबल, ओके, सेव करेंगे और आउटपुट लेके आएंगे यहाँ पे। टाइम टेबल क्या होता है, ऊपर शो हो रहा है जो हमने कैप्शन टैग में दिया है वो, टाइम टेबल क्या करे, सॉरी कैप्शन टैग क्या करेगा, जो भी टेबल बनेगा हमारा उसके ऊपर हेडिंग देगा, तो ये कैप्शन टैग होता है, ठीक ठीक है।
यहाँ पे TH के साथ अगर आप TD भी दे सकते हो यहाँ पे, TD से क्या होगा वो भी देखते हैं अभी। TD TH की जगह, TD और TH दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है, बट डिफरेंस ये है दोनों में। डिफरेंस TH जो टैग है ना, TH वो टेबल हेडर के लिए यूज़ होता है। अब हेडर मतलब क्या, हेडर मतलब आपको कोई हेडिंग देना है, अगर हेडिंग देना है अगर आपको, तो आप क्या करोगे उसका कुछ अलग से होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया अभी, कि जो हेडिंग था हमारा कॉलम के हेडिंग, ये एक पूरी एक खड़ी लाइन जो बनेगी टेबल की उसको बोलेंगे कॉलम, और आड़ी लाइन को क्या बोलेंगे रो। अब हमको क्या करना है, टाइम और डेट ये दोनों कॉलम के हेडिंग थे, और नीचे उसकी वैल्यू आई 10 AM और 10:10:20। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे कि जो हमने TH टैग का जो यूज़ किया था ना यहाँ पे, TH टैग का यूज़ करके हमने क्या किया था, यहाँ पे टाइम और डेट दिया है, और TD टैग का हमने यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू दी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पे, कि जो हमने TH में जो लिखा था टेबल हेडर, तो हेडिंग क्या होता है, हेडिंग कुछ अलग से दिखना चाहिए आपको, तो वो बोल्ड होके मतलब डार्क होके आपको दिख रहा है यहाँ पे, जबकि नीचे जो TD टैग में हमने लिया है वो सिंपल टेक्स्ट के अंदर आपको दिख रहा है। तो ये होता है TH और TD के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अभी से हम दो तीन वैल्यू और ऐड करेंगे हम लोग, तो सीधा हमको करना कुछ नहीं, हमको सीधा यहाँ से इसको कॉपी करना है और नीचे आके उसको पेस्ट करना है। तो ये क्या होगा, नई वैल्यू ऐड हो जाएगी, सेम यहाँ पे दे देंगे हम लोग, सपोज 11 AM दे देते हो, और डेट कर देते हैं 11, इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आउटपुट आने के लिए, तो एक और रो यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, अब वापस अगर आपको रो ऐड करना है तो आपको करना कुछ नहीं, वापस से एक नया TR टैग लेना पड़ेगा, और TD टैग के लिए अलग अलग फिर आपको एट्रीब्यूट यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे TD टैग जितने वैल्यू आपको एंटर करवानी उतनी वैल्यू आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे तो TR टैग जो है हमारा टेबल रो टैग ये वाला, अब इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, इसके एट्रीब्यूट्स ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के अभी जो टेबल रो के लिए, अभी ये जो आ रहा है ना आपका कंटेंट जितना भी, उसको आपको सेंटर में ले, अभी तो सेंटर में ही है वो, बट कभी अगर लेफ्ट साइड में अगर आपको लेके आना है तो आप क्या करोगे यहाँ पे TR टैग में जो है ना, इसका अलाइन एट्रीब्यूट एक है, अलाइन इक्वल टू आप क्या करोगे यहाँ पे एग्जाम्पल लेफ्ट कर देते हम लोग। ठीक है, इसको सेव करेंगे और आउटपुट के लिए जब आएंगे हम लोग, सॉरी TR में ही किया है ना, TR ओके 10 AM और 10:10:20 पे, वो बॉक्स की साइज़ के हिसाब से वो अरेंज हुआ है। एक मिनट, अभी देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको अलाइन लेफ्ट, हम देंगे टाइम और डेट के लिए जो हमने हेडिंग दिए हुए। अरे फिर नहीं, एक मिनट, ALIGN अलाइन, अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर राइट करते हैं इसको, एक मिनट, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता ही है ये, जब राइट करेंगे इसको RIGHT सेव, TR टैग अलाइन एट्रीब्यूट अलाइन अलाइन RIGHT TR अलाइन सेंटर में तो है ही वो बाई डिफॉल्ट, सेंटर भी ले लेते हैं एक बार, नहीं कुछ मिस्टेक हो रही है कहीं पे, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको निकाल देते हैं यहाँ से। अब जो है TR टैग का एक एट्रीब्यूट है BG कलर, तो BG कलर अभी तक हमने तीन जगह यूज़ कर लिया, एक यहाँ पे बॉडी टैग में यूज़ किया था जो हमने येलो दिया था बैकग्राउंड में, एक टेबल के लिए हमने रेड दिया था, और यहाँ पे अब अगर हमको टेबल का जो हमने हेडिंग दिया है कॉलम्स के, उसमें हम लोग देंगे अगर दे देते हैं ब्लू कलर, अच्छा लगेगा शायद। अब देख सकते हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, कि TR टैग के लिए हमने जो लिया था ना, TR टैग के लिए हमने क्या लिया, BG कलर ब्लू, इसका मतलब क्या है, ये जो TR टैग है ना ये पूरी ये लाइन के लिए, ये पूरी रो के लिए, तो ये जितनी जितनी भी कॉलम जितने भी सेल्स आएंगे इस रो के अंदर, वो तो सबके लिए क्या होगा, वो अप्लाई हो जाएगा ब्लू कलर। अब TD टैग जो है ना, TD टैग के लिए भी सेम आप BG कलर का यूज़ कर सकते हो, आपको सिंगल किसी बॉक्स को कलर देना है, अगर सिंगल बॉक्स को कलर, तो वो किस किस में देंगे हम लोग, जिस बॉक्स में देना है उस बॉक्स का TD टैग जो है उसमें आप दे सकते हो। ओके, अब
देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, टीआर टैग जो 11 AM वाला था वहाँ पे हमने क्या दिया, बैकग्राउंड में ब्लू कलर, तो हम उसको टीडी टैग के लिए, जो टीडी टैग के लिए आपको देना उस टीडी टैग के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो। तो टीडी टैग के लिए हमने भी बैकग्राउंड कलर देखे, उसके बाद टीआर टैग के लिए भी, उसके बाद टेबल टैग के लिए, और सबसे पहले स्टार्टिंग किया था हमने बॉडी टैग के लिए। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। इसमें और भी फॉर्मेटिंग हो सकती है, जैसे कि सेल को आपको मर्ज करना, वो कॉल स्पैन रो स्पैन जिसको कहेंगे हम लोग, और भी कई फॉर्मेटिंग है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, और ये जो टीआर टैग का अलाइन एट्रीब्यूट है वो भी मैं एक बार देख लूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।